नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निखत बीडीएस न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के समाचार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सदर दफ्तर तहरीक मुस्लिम शब्बान पर शरई फैसला बोर्ड के कुछ मसाइल हल किए गए और एक मसला जो लॉन्ग पेंडिंग मसला था ख़ानदान के इख्तलाफात का और जायदाद का, वो भी समझिए कि अभी नमाज मगरिब के बाद उसको समझिए कि सेटल किया गया है। ये अल्लाह का करम है कि शरई फैसला बोर्ड मुस्तकल काम कर रहा है। और वैसे आज दिन में एक बहरहाल बड़ी साजिश रची गई और एक फेक केस बहरहाल समझिए कि बगैर हमारे इल्म व इत्तला के केस डाला भी गया, उसके नोटिसेस भी सर्व हुए जो मुझ तक नहीं पहुँचे और कोई समझिए कि इत्तला मुझ तक नहीं पहुँची थी और अचानक मालूम हुआ कि NBW इशू हुआ है। अब उस NBW को जो समझिए कि तमाशा बनाया गया है और एक साजिश पूरी तरह उसमें आश्कार थी। NBW एक सिंपल छोटा सा मसला होता है कि अदालत में हाजिर नहीं हुए रिकॉल हो जाता है, लेकिन समझिए उसको एक बहुत बड़ा मसला बनाकर पेश किया गया। दरअसल ये कि लोगों को बी टीम का जुमला और बी टीम के एक्टिविटीज़ और बी टीम के जो सरगर्मियां हैं RSS के इशारे पर, वो समझिए बहुत गिरा गुजरे हैं। और यकीनी तौर पर हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप समझिए कि झूठे तरीक़ों से ना हमको डरा सकते हैं ना हमको धमका सकते हैं। और जो समझिए कि लोग बहरहाल इसमें मुलविस रहे हैं या आलायकार बने हैं, यकीनी तौर पर वो आलायकार किसी दौर में तहरीक मुस्लिम शब्बान से वाबस्ता रहे हैं और समझिए कि वो आलायकार उनको बनाया गया है। मुझे मालूम है कि बहुत से लोगों को ख़रीदने की कोशिश की जाती है, एक्शन कमेटी जॉइंट एक्शन कमेटी को तोड़ने की कोशिशें की गई और मुश्ताक मलिक पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी समझिए कि आयद किए गए मुख्तलिफ अंदाज से, अकीदे के मसले पर, फलां के मसले पर कई बातें समझिए हुई हैं और एक्शन कमेटी में मौजूद जमातों को तोड़ने की कोशिश की गई और TV चैनल के ज़रिए झूठे समझिए कि न्यूज़ को साबिक में बताया गया सेक्रेटेरिएट मसाजिद के मसले पर। दरअसल इनको मोड़, सबसे बड़ी मोड़ तो सेक्रेटेरिएट मसाजिद के मसले पर एक्शन कमेटी की बेपनाह जिद्दोजहद और उसकी कामयाबी का नतीजा थी, उसकी वजह से इनको मोड़ थी। फिर उसके बाद मैंने बताया कि RSS के इशारे पर ये कैसे नाच रहे हैं पूरे मुल्क में और मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से कट करने की कैसी कोशिश कर रहे हैं और उससे उम्मत का बहुत बड़ा नुकसान होगा हिंदुस्तानी मुसलमानों का। ये बात मैंने समझिए कि बतलाई तो उस पर बहुत ज़्यादा वबाल और बहुत ज़्यादा मरोड़ समझिए कि इनको हुई। ये हथकंडे जो इस्तेमाल किए गए हैं, ये हथकंडों से मुश्ताक मलिक डरने वाला नहीं है। ना मुश्ताक मलिक लैंड ग्रैबर है, ना वक्फ के जमीनात खाया है, ना किसी के माल को मुश्ताक मलिक गबन किया है। ये बात वाज़े सुन ले, मैं कौलु कौलन सदीदा पर अमल करता हूँ। ये बात कहो तो सच्चे और पक्के इरादे की बात कहो और अल्लाह के सामने सबको जवाब देना है। यहाँ तमाशे कर लीजिए, लेकिन यकीनी तौर पर हम यहाँ लड़ाई आपसे लड़ेंगे और कोई समझिए कि हम डरने और घबराने वाले नहीं हैं। आप खरीद लीजिए लोगों को, आप लोगों को मिसगाइड कीजिए। आपकी पूरी अदालत में आज एक टीम पूरी साजिश के साथ मौजूद थी, हम जानते हैं। तो बहरहाल ना हम डरने वाले हैं ना खौफजदा होने वाले हैं। अल्लाह का करम है कि दफ्तर आए और दफ्तर समझिए मैं आने के फौरी बाद शरई फैसला बोर्ड के मसाइल समझिए कि आज पेशी थी, उन मसाइल को हल किया गया। ना ये काम रुकेगा, ना ये काम कमज़ोर पड़ेगा, काम जारी रहेगा
और जो जॉइंट एक्शन कमेटी का इत्तेहाद है, जॉइंट एक्शन कमेटी जिस बेबाकी के साथ मिल्लत के सुलगते हुए मसाइल पर जिद्दोजहद कर रही है, वो जारी और सारी रहेगी। आप समझिए कि ये लुटेरों, ये बदमाशों और ये समझिए कि मिल्लत के दलालों और मिल्लत को बेचने वाले आरएसएस हेडक्वार्टर में ले जाकर मिल्लत बेचने वालों पर पंडे का करना हो, उम्मत का इत्तेहाद सलामत और बाकी रहे और हक के साथ रहे, इंशाल्लाह हक की लड़ाई जारी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।